Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that since past few videos we are doing the topic money. It is chapter 13 of your maths book, and you know that how important is money in our life. All transactions are done through money. Whatever we have to purchase, whatever you have to buy, you buy it through money. आप कभी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, वेदर टू बाय योर पेंसिल, इरेजर, चॉकलेट, चिप्स और योर पेरेंट्स परचेज ड्रेसेस फॉर यू, जो भी ईटेबल्स लाते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, दे पे मनी फॉर इट. जो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो, हाउ इट कम्स टू योर होम. सब लोग तो ग्रो नहीं करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो सब्जी वाले भैया को क्या देते हैं, मनी. और जो आपके पास गुल्लक है, जो आपके पिगी बैंक है, उसमें भी आप क्या डालते हो, मनी डालते हो, है ना. एंड इट इज वेरी गुड हैबिट टू कीप अ पिगी बैंक बिकॉज इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेविंग. उससे सेविंग्स की आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है, इसलिए पिगी बैंक रखना अच्छी बात है, रखना चाहिए, हर बच्चे को रखना चाहिए. स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है मनी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि मनी को काउंट करना ज्यादा इजी होता है ना, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा इजी होता है बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डेली लाइफ. आप रोज इससे डील करते हो, रोज आप इसको अपने डेली लाइफ में देखते हो, किस तरह से मम्मी सब्जी वाले भैया से सब्जी खरीदती है तो बदले में पैसे देती है, कुछ उसको मनी देती है. आपके घर में जो भी बाहर से सामान खरीद कर आता है तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं. आप भी जब खुद जाते हो बाहर शॉप पे तो आप कुछ भी सामान लेते हो तो आप उसको मनी देते हो, तो आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, आप डायरेक्टली इस चीज को टच करते हो, आप एड सब्ट्रैक्ट करते हो, अपनी डेली लाइफ में ये सारे काम आप करते हो, तो इससे बहुत क्लोजली आप इससे रिलेट कर रहे हो इस टॉपिक से, है ना. तो जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो आपको मैंने बताया था कि जो इंडियन करेंसी है उसको क्या कहते हैं, रूपी कहते हैं. इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रूपी. और उसका सिंबल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं रुपी को, रॉ लिख के उसके ऊपर दो लाइन, दैट इज द सिंबल ऑफ रुपी. और ये भी मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में मनी को रुपी नहीं कहा जाता है. एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेम फॉर इट्स करेंसी. हर कंट्री जो है अपने यहाँ अपने पैसे को एक नाम दिया हुआ है. जैसे कि आपको मैंने बताया था अमेरिका में डॉलर कहा जाता है, बांग्लादेश में टका कहा जाता है, तो हर कंट्री ने अपनी करेंसी को नाम दिया है. हमारी कंट्री में इसे रुपी कहते हैं. और ये रुपी जो है कॉइन्स में भी अवेलेबल है और करेंसी नोट्स में भी अवेलेबल है. कॉइन्स में अभी जो कुछ जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे कॉइन्स जो जिनकी वैल्यू अभी भी है उसमें कौन कौन से हैं, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, ठीक है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी का कॉइन है, 10 रुपी का कॉइन है, है ना. ये 4 कॉइन्स है जो अभी भी जिनकी वैल्यू है जो यूज में है. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कॉइन्स हुआ करते थे. अर्लियर हमारे देश में बहुत सारे और भी दूसरे कॉइन्स थे हमारे कंट्री में, लाइक 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10, 20, 25, 50, इन सब पैसे के भी कॉइन थे. और उससे पहले जो था आना चलता था, और उससे पहले जब किंग्स लोग होते थे तब गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, कॉपर के कॉइन्स चलते थे, बट ऑल दैट इज नॉट आर नॉट इन यूज नाउ. अभी हम जो है ये कॉइन्स हमारे यहाँ चलते हैं. और करेंसी नोट कौन कौन से चलते हैं हमारे यहाँ, 1 का नोट भी है, 2 का भी नोट होता है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 है, देन 50 है, 100, 500 एंड 2000. 1000 का भी करेंसी नोट था बट नाउ इट हैज उसकी वैल्यू अब खत्म हो गई, नाउ इट इज नॉट इन सर्कुलेशन. अभी ये नहीं चलता है, 1000 का करेंसी नोट नहीं चलता है. तो ये सारे जो डिनोमिनेशन मैंने लिखा है, मैंने रुपी का सिंबल नहीं लगाया है, बट
ये सारे जो नोट्स हैं ये अभी सर्कुलेशन में हैं, मतलब ये चलते हैं अभी भी, ये सब नोट्स जो है वो चलते हैं okay? और ये कॉइन्स जो है ये भी चलते हैं, 1, 2, 5 and 10 rupees का कॉइन। तो ये इंडियन करेंसी के कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हैं, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। हमने एडिंग कॉइन्स देखा था, फाइंडिंग प्राइस देखा था, एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था, एंड दैट वी विल कंटिन्यू इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करेंगे जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट किया था हमने? रीड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द अटैच टैग एंड फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ। आपको मैंने कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखे थे, कुछ बुक में ही आपके हैं, वो पेज में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके साथ टैग लगा हुआ है, उस टैग पर उनका प्राइस लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, जो दो आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं उन दो आइटम्स के प्राइस आपको प्राइस टैग से देखना है और उसको ऐड करना है और टोटल बताना है। गॉट इट? प्राइस टैग से आप प्राइस देखेंगे दो आइटम्स की, जो दो आइटम्स मेंशन होंगे, दो दो का पेयर है, टू टू आइटम्स की पेयरिंग है, दो आइटम्स का आपको प्राइस चेक से चेक करना है, उसको ऐड करना है और टोटल अमाउंट आपको पता करना है। इस सीरीज में हमने दो तीन क्वेश्चंस किए थे, हमने पेंसिल और टॉप का प्राइस पता किया था, फिर वॉकमैन और बल्ब का पता किया था, टेडी बेयर और एरोप्लेन टॉय का पता किया था। नाउ विल कंटिन्यू। नो चिल्ड्रन, जो बुक में कॉम्बिनेशंस दिए हैं आइटम के, आई विल चेंज दोस कॉम्बिनेशंस, मैं अपनी मर्जी से भी आपको कॉम्बिनेशंस बना के दूंगी। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्राइस, मैं आपके साथ करूंगी, आपके लिए करूंगी। यू हैव टू सी, आपको देखना है कि ये कैसे होगा, कैसे करना है। तो पहले क्या करते हैं हम उन आइटम्स के, आई कैन नॉट ड्रॉ द थिंग्स सो आई विल राइट द नेम एंड आई विल राइट द प्राइस ऑल्सो। तो मैं बना देती हूँ पहले। Let me write the question first. Question is, read the price of the article price of the articles from the attached tag from the attached tag and find the total price and find the total price of, और अब of के बाद क्या है, पेयर बनाते हैं। तो मैं पहले, क्योंकि वो आइटम्स की ड्राइंग नहीं बना सकती मैं, तो मैं उनके नाम और उनके टैग में लिख देती हूँ। पहला है वॉकमैन, एंड डू इट हियर। और इसके टैग पे लिखा हुआ है ₹53। उसके ठीक नीचे है बल्ब, इसके साथ भी एक टैग है और उस टैग पे लिखा हुआ है ₹8। नेक्स्ट है एक टेडी बेयर, इसके नीचे है टेडी बेयर, इसके साथ जो टैग है उसको लिखा है ₹70। देन वी हैव पेंसिल ऑफ ₹2 एंड आइसक्रीम ऑफ ₹5। पेंसिल है, इसके टैग पे है ₹2, आइसक्रीम इसके टैग पे है ₹5,
देन वी हैव एरोप्लेन, टॉल एरोप्लेन है, एंड कॉस्ट ऑफ द टॉय एरोप्लेन इज रुपीज 38. Then we have pen, top and balloon. Pen, top and balloon. Cost of pen is 14 rupees. Cost of top is rupees 2. Cost of balloon is rupees 22. So these are the items. ये हो गया items. Now we will make combination here. यहाँ पे हम combination करके देखेंगे. Now we'll make combination from my side. मैं अपनी तरफ से आपके लिए कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ. नॉट दैट आर गिवन इन बुक, जो बुक में दिया है उसको ना करके आई विल मेक इट हियर. चलिए, अ बलून एंड पेंसिल. अ बलून एंड अ पेंसिल. ओके, so let's check the price of a balloon. Balloon ka kya price hai? You can see the price of balloon is 22 rupees. So write here rupees 22. Then a pencil. Where is the pencil? Pencil is here. What is the price of pencil? Rupees 2. So you have to add rupees 2. 22 plus 2. Now आप जब शॉपकीपर के पास गए और आपने 22 रुपीस का बलून लिया और 2 रुपीस का पेंसिल लिया, सो हाउ मच यू विल पे टू द शॉपकीपर? आप कितना दोगे? 22 है और उसमें आपको 2 और डालना है, तो कितना हो जाएगा? 22 को माइंड में रखिए क्योंकि वो बड़ा नंबर है, 2 को फिंगर पे रखिए और 22 के बाद से काउंट कीजिए, 23, 24. कितना हो जाएगा? रुपीस 24. Children, the symbol of rupees is very important. आपको या तो आप आर एस रुपीज लिख सकते हैं या सिंबल ऑफ रुपीज लिख सकते हैं, दोनों ही सही है. मतलब यू कैन इधर राइट आर एस और यू हैव टू मेक दिस सिंबल, दोनों में से एक जरूर होना चाहिए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन लेते हैं. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अ टेडी बेयर एंड आइसक्रीम. A teddy bear and an ice cream. Teddy bear. Where is the teddy bear? This is teddy bear. And what is the price of teddy bear? Rupees 70. So what we'll do? We'll write rupees 70. Now, what is the price of ice cream? So, find out ice cream. Ice cream is here. And what is the price? Rupees 5. So, you will add rupees 5. And what will you get? Kya aapko milega isme? You will get 17 plus 5. 17 mein aapko 5 add karna hai. So, what will you get? 17 ko mind mein rakhiye. 5 को फिंगर पे रखिए. ऐसे ही करते थे ना एड आप, बस आपको इसमें मनी, ये आपका जो ये भी एड ही है बट इट इज ऑफ मनी, आपको यहाँ पर मनी एड करना है. तो चलिए इसको कर लेते हैं. 17 को रखिए आप अपने माइंड में और 5 को रखिए फिंगर पे. 5 को फिंगर पे ले लीजिए और 17 के आगे से काउंट करना शुरू कर देते हैं. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स. 18, 19, 20, 21, 22. कितना हो गया? अगेन यू गॉट द आंसर. अर्लियर हमको 24 था, नाउ इट इज 22.
मतलब दोनों को अगर हम खरीद रहे हैं, अगर हम टेडी बियर ले रहे हैं और साथ में एक आइसक्रीम ले रहे हैं, तो हमें शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा? ₹22। बट इट दोनों का प्राइस मिला के कितना हो गया? ₹22। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन। एन एरोप्लेन टॉय, एंड अ वॉकमैन। शायद ये हम कॉम्बिनेशन, एन एरोप्लेन टॉय एंड अ वॉकमैन। आप दो चीजें ले रहे हैं, एक एरोप्लेन ले रहे हैं और एक वॉकमैन ले रहे हैं, तो दोनों का कितना हो जाएगा? एरोप्लेन देखिए क्या है, एरोप्लेन का प्राइस चेक ₹38। राइट हियर ₹38। व्हाट इज द प्राइस ऑफ वॉकमैन? वॉकमैन का क्या प्राइस है? ₹53 है ना। तो यू राइट हियर ₹53। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सॉल्व, अगर आप माइंड में काउंट कर नहीं पाएंगे तो इट्स बेटर कि आप सॉल्व करके इसको देखेंगे। इसको सॉल्व करके देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एड हियर ₹38 + ₹53। यहां पर इसको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर है। आपको 8 + 3 करना है। पहले आप वंस वंस को करते हैं, हमेशा करते हैं ना, तो चलिए 8 + 3 करके देखते हैं कितना आता है। 8 + 3, 8 को माइंड में रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए और काउंट कीजिए, देखिए कितना आता है 11। तो 11 का आप 1 लिखेंगे और 1 कैरी डालेंगे, है ना। अब देखिए 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 में 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। सो आंसर इज ₹91। यू विल राइट हियर ₹91। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 3 कॉम्बिनेशन ये वाले की, यू कैन गो थ्रू इट, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम कुछ और कॉम्बिनेशन करेंगे। अभी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, चलिए लेट्स डू नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका अ टॉप एंड अ बल। अ टॉप एंड अ बल। नाउ फाइंड आउट द प्राइस ऑफ टॉप। टॉप कितने का है? ₹2। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ बल? बल्ब का क्या प्राइस है? चेक कीजिए बल्ब का क्या प्राइस है? 8 है ना। तो यहां लिखिए ₹8। ओके, नाउ एड 8 + 2। दिस इज अ इजी एडिशन है ना। 8 + 2 करना है, व्हाट विल यू गेट? आंसर विल बी 10 रुपीज। 10 इज द आंसर। एक ही कॉम्बिनेशन हो गया, लेट्स डू अनदर कॉम्बिनेशन। आई होप ये आपको क्वेश्चन जो एक्सरसाइज समझ में आ रही है। 2 आइटम्स हैं, उनके प्राइस को आप ऐड कर रहे हैं, टोटल अमाउंट आप ऊपर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं बलून एंड पेंसिल। एक बलून और उसके साथ पेंसिल। बलून का प्राइस देखिए कितना है? ₹22।
पेंसिल कितने की है? यानी बलून एंड पेंसिल एंड प्राइस इज ₹2। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? इट इज ₹24। 22 + 2 = 24। लेट्स टेक अनदर कॉम्बिनेशन एंड इट इज एरोप्लेन। An aeroplane and a bulb. An aeroplane and a bulb. Aeroplane कितने का है? ₹38 and bulb is of ₹8. Aeroplane जो है वो ₹38 का है और bulb है ₹8 का. Now you have to add ₹8 to ₹38। आपको 38 में ₹8 ऐड करना है, कर लें। 38 को माइंड में रखिए, 8 को फिंगर पे रख लीजिए। अब 38 के आगे से गिनिए, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, कितना हुआ? 46। आंसर क्या आया? टोटल प्राइस इज ₹46। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, अगर आपने नोट कर लिया है तो एक अनदर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा अ वॉकमैन एंड अ पेन। अ वॉकमैन एंड अ पेन। वॉकमैन कितने का है? ₹53। वॉकमैन इज ऑफ ₹53। पेन का क्या प्राइस है? ₹53 के साथ आपको ₹14 को ऐड करना है। नाउ अगर आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। जैसा मैंने आपको सॉल्व करके बताया था वैसे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या आएगा? 53 रुपीज के साथ ₹14 आपको ऐड करना है। यू हैव टू ऐड दिस 4 + 3 कितना होता है? 7। यस। 5 + 1 6। बस, और ये रुपीज का सिंबल लगा देना है तो आंसर क्या हो जाएगा? ₹67। कॉस्ट ऑफ टोटल अमाउंट यू हैव टू पे फॉर अ वॉकमैन एंड अ पेन इज ₹53 एंड ₹14। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ₹67। नेक्स्ट, अ टेडी बेयर एंड अ टॉप। एक टेडी बेयर लेना है और एक टॉप लेना है, ठीक है? ये दो चीजें लेनी है। टेडी बेयर का प्राइस क्या है? फाइंड आउट द प्राइस ऑफ टेडी बेयर। टेडी बेयर इज ऑफ ₹17। कितने रुपीज का है? 17। और टॉप कितने का है? ₹2। 17 रुपीज है, उसमें ₹2 ऐड करना है। नाउ दिस इज वन इज इजी। 17 को माइंड में रखिए, 2 को फिंगर पे रखिए एंड फाइंड आउट कितना हो जाएगा 17 + 2। 17 इज इन माइंड, 2 ऑन फिंगर। 17 क्या 18, 19। सो टोटल अमाउंट इज
₹90। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है पेन एंड एंड एरोप्लेन। अ पेन एंड एन एरोप्लेन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेन? ₹40। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एरोप्लेन? ₹38। 14 plus 38. Now you have to find out by adding it. क्योंकि आप माइंड में कैलकुलेशन इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए. ₹14 plus ₹38. चलिए प्लस कीजिए. 8 plus 4 कितना होता है? 12 होता है. Okay. अब 12 का क्या करेंगे आप? 2 यहां लिखेंगे और 1 को ऊपर लिखेंगे. 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. आंसर इज ₹52. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? इट इज ₹52. टोटल अमाउंट इज ₹52. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. और इस एक्सरसाइज को फिर हम यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि हमने काफी सारे कॉम्बिनेशन इसमें कर लिए हैं. ठीक है, आप इसी तरह से कई और कॉम्बिनेशन इसमें बना सकते हैं. एंड यू कैन फाइंड आउट द प्राइस ऑफ एनी टू आइटम्स. कोई भी आप दो आइटम लीजिए और उसके प्राइस को देखिए और फिर उन दोनों को एड करके भी देखिए कि टोटल अमाउंट क्या आता है. एनी टू, यू कैन डू विथ थ्री ऑल्सो. आप कोई थ्री आइटम्स ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूं. आप कोई थ्री आइटम भी ले सकते हैं, जैसे कि अ पेन, अ टॉप एंड एन आइसक्रीम. आपको लगता है कि आप तीन आइटम के प्राइस एक साथ ऐड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. दो आपके जो कोर्स में थ्री जो है हॉरिजॉन्टली थ्री डिजिट जो नंबर होते हैं उनका एडिशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थ्री आइटम्स के प्राइस को टोटल कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, पेन कितने का है? ₹14 का है. टॉप कितने का है? ₹2 का है. और आइसक्रीम कितने का है? ₹5 का आइसक्रीम है. चलिए 14 plus 2 plus 5, आपको अब यहाँ पे थ्री डिजिट्स एड करने हैं. यू कैन ट्राई दैट. 14 में 2 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. 16 में आपको 5 प्लस करना है, तो 16 को माइंड में रखिए, 5 को फिंगर पे रखिए और 16 के आगे से गिनिए. 17 18 19 20 21. सो योर आंसर विल बी ₹21. चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही है ऐसा. आप कोई दो आइटम से ही ट्राई कीजिए. कोई भी दो आइटम लीजिए और उसके प्राइस को चेक कीजिए फ्रॉम प्राइस टैग एंड एड इट एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. जरूरी नहीं है कि आपको थ्री डिजिट करना है. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप थ्री डिजिट का भी कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज. आज का वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो वो आप जरूर कीजिएगा. और नए वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया एक्सरसाइज.
इसमें जो है वो मनी चेंज का भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो भी एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है. तो जो भी नई एक्सरसाइज है दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.